हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स टाइम सागर राय में। मैं आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 2 पावर 2 बाई 3 प्लस 2 पावर माइनस 2 बाई 3, प्रूव डैट 2x³ - 6x=5। तो ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। गिवन क्या है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 2 का पावर 2 बाई 3 प्लस 2 का पावर माइनस 2 बाई 3। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर 2 बाई 3 प्लस 2 पावर माइनस 2 बाई 3। ये माइनस टू इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। माइनस टू इधर आया तो प्लस टू हो गया। उसके बाद 2 पावर 2 बाई 3, ये प्लस टू को मैं इधर लिखता हूँ। उसके बाद 2 पावर 1 बाई 3 डॉट 2 पावर 1 बाई 3 प्लस, इसको लिखता हूँ मैं 2 पावर माइनस 2 बाई 3। उसके बाद इसको मैं लिखता हूँ 2 पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2 पावर 1 बाई 3 डॉट, ये 2 पावर 1 बाई 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 2 पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस, इसको मैं -1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैंने ये अपने से ऐड किया है, जैसे 2 पावर 1/3 और 2 पावर 1/3 अपने से ऐड किया है ताकि ये फार्मूला में चले जाए। जैसे कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, यही 2 बचेगा। तो 2/3, 2 का पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 पावर माइनस 2/3 को लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने किया है 2 पावर 1/3 × 1/2 पावर 1/3, ये अपने से हम लोग को करना है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², मतलब हो गया ए प्लस बी, मतलब 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर कैंसिल हुआ और एक्स इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3 आया। अब जो क्या करना है, जैसे कि यहाँ प्रूफ में देखिए, यहाँ एक्स क्यूब है तो ये क्वेश्चन को हम अब क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग करेंगे तभी एक्स क्यूब आएगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एक्स का क्यूब इक्वल टू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर माइनस 1/3 का क्यूब, और एक्स क्यूब इक्वल टू, अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद ए प्लस बी। ए मतलब हो गया 2 पावर 1/3, बी मतलब 2 पावर माइनस 1/3, 2 पावर 1/3, 2 पावर माइनस 1/3, 2 पावर 1/3 और 2 पावर माइनस 1/3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। अगर इसका फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। अब जैसे कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, 2 पावर 1 बचेगा, 2 लिखेंगे चलेगा, 2 पावर माइनस 1 है तो 2 पावर माइनस 1 हो गया। उसके बाद 3 डॉट 2 पावर 1/3, अगर ये नेगेटिव में है पावर इसका तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, -1/3 है तो नीचे चला गया, उसके बाद ये पॉजिटिव पावर हो गया। उसके बाद 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3 को हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 प्लस 2 पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3 × x हो जाएगा 3x। उसके बाद एक्स क्यूब ये प्लस 3x जो है इसको हम इस साइड ला सकते हैं, प्लस 3x इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस
थ्री एक्स होगा। उसके बाद ये दोनों को क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। अब एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, अब वन और टू का एलसीएम हो जाएगा टू, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टू टू जा फोर और वन वन जा वन, और एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू। उसके बाद ये टू से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स को, तो ये आ गया टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू फाइव, विच इज इक्वल टू, विच इज एग्जैक्टली वट वी हैव टू प्रूव, जो प्रूव करना है वही आया है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं प्रूव। अगर मेरा वीडियो आप लोग को सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।